लाए लॉकर। हाँ हाँ ये इसमें से कौन सी पिन लगानी है देख अभी। ये है मैचिंग लाओ ना। तो पहले निकल के आओ। जरा वो पिन का डिब्बा देना। पिन का डिब्बा यहाँ कहाँ है? वो है ना ये कपाट खुली है ना उसमें है। अभी इसमें से कौन सा लगाना है देख। जल्दी लेट हो रहा है ना। वो कल तुमने नई लाई थी वो कहाँ है? वो पर्स में। आओ जरा वो कबर्ड में पर्स है प्लीज दीजिए ना। चलो। हाँ थैंक यू। इसमें से हाँ ये लगाओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ रुक पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए ना बेटा। बाय आई बाय बाबा। अरे अरे सोनू सोनू एक मिनट रुको छाता लेके जाओ बेटा। रहने दो ना बाबा वैसे भी कहाँ बारिश हो रही है। अभी नहीं हो रही है लेकिन मुंबई की बारिश का भरोसा होता है। हाँ बरोबर है बाड़ा छाता लेकर जा। आओ जरा छाता दे जरा प्लीज। अभी शांति से पूजा करता हूँ बापा। दो मिनट सॉरी दो मिनट। हेलो ए आत्मिया। देखिए मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ। ए आत्मिया मैं तेरा शरद काका बोल रहा हूँ। शरद काका सॉरी शरद काका। अरे इतने दिनों बाद हमने बात की ना तो मैं आवाज ही नहीं पहचानी। कैसे आप तुम्हें काकू कैसी है? हम दोनों ठीक है। तू कैसा है? माधवी और सोनू कैसी है? सगे मुझे एकदम मस्त था। अच्छा सुन आज हम तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। क्यों वाह तो घर की तरफ क्यों घर पे ही आई है? अरे होय मुला तेज मुंडोई में हम दोनों तेरे घर पे ही आ रहे इसीलिए तो फोन किया है। वहाँ तक आकर अपने भतीजे से मिले बगैर थोड़ी जाऊंगा मैं। नहीं नहीं बराबर है। देखो हम लोग 2-3 बजे के आसपास तेरे घर पे आए। काका 2-3 बजे क्यों? थोड़ा जल्दी आइए ना मैं तो बोलता हूँ खाने पे ही आइए। नहीं 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 आत्मिया तू मेरी बात समझ। क्या हुआ क्या बोल रहा है? अरे आत्माराम खाने के लिए कह रहा है उसके घर। दे दो मेरे पास। हेलो हाँ आत्माराम। काकू कशी है? खूब छान। देख तू हमारे खाने की फिक्र मत कर हम खा के आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना बस आप दोनों को आज का खाना हमारे साथ खाना है। देख बेटा तेरे काका को ठीक 11:30 बजे खाना चाहिए होता है। 12 बजे डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला है ना और बाहर का खाना भी खाना मना किया है। इसलिए कह रही हूँ कि तू इतनी तकलीफ मत लेना हम खाना खा के आएंगे। तकलीफ की कोई बात ही नहीं है ना काकू 11:30 बजे खाना तैयार मिलेगा। अच्छा ठीक है तो हम 11:15 बजे तक पहुंच जाए। डायरेक्ट आप आइए मैं राह देख रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा बेटा। अरे माधवी ए माधवी काय शरद काका का फोन था। हाँ? काका और काकू आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ? कभी मैंने उनको अभी खाने पे ही बुला लिया। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ लेकिन 11:30 तक खाना रेडी होना चाहिए क्योंकि 12 बजे काका को दवाई लेनी होती है ना। मैं पटकन खाना बना देती हूँ लेकिन क्या बनाऊँ? हाँ, उनकी फेवरेट पूरी भाजी बना देती हूँ। आप प्लीज जरा श्रीखंड लेकर आइए ना बाहर से। ओहो माधवी मैं भी अभी यही बोलने वाला था। मैं काम करता हूँ पूजा करता हूँ बाद में श्रीखंड लेके आता हूँ। हाँ साले साले चल। वाह बारिश भी शुरू हो गई। मिर्ची धनिया तो है ही नहीं घर में। रोशन भाभी से लेकर आती हूँ। अरे रोशन भाभी तो मायके गई है। कोमल भाभी से लेकर आती हूँ।
गणपति बाप्पा मोरे। ओ अच्छा हुआ ना सोनू छाता लेके गई, मुंबई की बारिश का भरोसा ही नहीं है। अरे बाप रे, हाथ में देते पानी। अरे देवा, सकरम का गोर तो इधर ही पड़ा है, बेचारा नीचे भीग रहा होगा। अरे देवा सकरम, आलो रे बाबा आलो। माधवी, मैं सकरम पे कवर डाल के आता हूँ। सकरम भीग रहा है, सकरम भीग रहा है, भीग रहा है। सॉरी सॉरी सकरम, सॉरी 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 मुझे याद नहीं रहा। कमल है ये भीड़े टॉवल में नीचे कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? अरे थैंक यू पोपड़ला, थैंक यू। भाई भीड़े ये सब क्या है? अरे भाई सकरम भीग रहा था ना तो कवर डालने आ गया नीचे। अरे भाई तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है, पता है मुझे। अरे भाई तू एक जिम्मेदार शिक्षक है। हाँ भाई पता है मुझे, तुझे पता है समाज में तेरी कितनी इज्जत है। हाँ भाई लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अरे भाई लोग तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में अरे वो क्या हुआ, एक्चुअली सकरम भीग रहा था ना तो उसको कवर चढ़ाने के चक्कर में हड़बड़ी में मैं कपड़े पहनना भूल गया। अरे भिड़े भाई ये क्या हाल बना के रखे हो, सब भेज देते ना। हाँ हाँ वो क्या हुआ, सकरम को कपड़े पहनने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। गोपटलाल अभी छाता बंद करो, हम लोग छेड़ में खड़े। भाई भिड़े इतना शर्मा क्यों रहा है भाई? बड़े बड़े कुश्तीबाज पहलवान लंगोट में कुश्ती नहीं लड़ते, तू तो फिर भी टॉवल में। शर्मा कौन रहा है पोपटलाल, अभी बारिश हो रही है ना, थोड़ी सी ठंड लग रही है, भीग गया हूँ। ठंड लग रही है तो घर पे जा और स्वेटर पहन। स्वेटर क्यों पहनूंगा मैं, बस तब घर पे जाऊंगा, माधवी को बोलूंगा कि गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाओ। अदरक वाली चाय? हाँ अरे ऐसे मौसम में बीवी के हाथ की अदरक वाली चाय पीने का जो मजा है ना। चलो। अरे भाई क्या चलो भाई, थोड़ी तो कर्टेसी ना, कैसे पूछ तो सही भाई। अरे चलो मतलब वही तो बोल रहा हूँ, साथ में चलो पीते हैं। ऐसे बोलो ना कि भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो भाई। अरे नहीं नहीं मुझे दुकान में बहुत काम है। ओ भाई ओ, तो मैं भी फ्री नहीं बैठा हूँ, भिड़े ने इनविटेशन दिया इसलिए जा रहा हूँ। बाबा हाँ चलो कर लो, चला था चल। चलो चलो गर्मा गर्म चाय पिएंगे, मजा ही कुछ है, गर्मा गर्म भजी पण खाऊया त्याच्या बरोबर। आओ 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 मस्त ना, वो अदरक के साथ मसाला भी डालते हैं चाय में, मजा आएगा। माधवी, अरे भाई बेल तो चालू है ना? हाँ बेल तो चालू ही है। हाँ बेल तो चालू है। हाँ तो माधवी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तूने माधवी भाभी के साथ झगड़ा किया? सच में तुम लोगों को पत्नी की कदर ही नहीं है, मैं सच में। ये भाई ये तुम क्या खाली पुलाव पका रहे हो, मैं माधवी के साथ झगड़ा क्यों करूंगा? तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे बाला क्या माई माधवी? ओ भाई थोड़ा प्यार से बोल भाई, पत्नी है, इतना चिढ़ के क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी वजह से गुस्से में निकल गया माधवी। फिर सुर नीचे किया है, चेहरे पे तो प्यार दिख ही नहीं रहा है, अभी गुस्सा ही दिख रहा है माधवी। क्या पहचान? परफेक्ट है, बोला माधवी। आहो अरे आओ क्या, दरवाजा खोलो मैं बाहर हूँ। तो मैं भी बाहर ही हूँ। अब बाहर क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे तौलिए में? अरे वो मैं, तुम बाहर कैसे? लेकिन मैं कोमल भाभी के आ गई थी धनिया और मिर्ची लेने के लिए, लेकिन आप। अरे माधवी वो बारिश शुरू हो गई थी और सकरम भीग रहा था इसलिए उस पे कवर डालने गया था। ऐसे गए थे आप नीचे, वो पायजामा तो पहन के जाना चाहिए था। अरे वो मैं जल्दबाजी में चला गया था माधवी, तुम्हें बोलकर तो गया था मैं। क्या मुझे कब बोला आपने? मैं तो थी नहीं घर पे, कोमल भाभी के आ गई थी ना। मुझे बोलकर क्यों नहीं गई? आप पूजा कर रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दी? अच्छा वो सब छोड़ो, अभी दरवाजा खोलो चलो। मैं कैसे खोलूं? चाबी से खोलते दरवाजा। आप घर पे थे इसलिए मैं चाबी लेकर गई ही नहीं। वाह शाबाश, और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। आ, इसका मतलब? मतलब ये है कि हम दोनों बाहर है और चाबी घर में। ये राम अच्छा गई चाय? नहीं नहीं पुपटलाल चाय कहीं नहीं गई। नहीं नहीं चाय की बात ही नहीं कर रहा।
नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना, वो सोड़ी के पास होती है, वहाँ से लेकर आएंगे, उसमें क्या है। वाह वाह वाह, तो जल्दी चलो क्योंकि मैंने गैस पे कुकर रखा है और गैस चालू है। रोशन माय डार्लिंग, तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, और मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, काश तू इधर होती। ओ हाँ सोनिए, आई लव यू टू। अभी अभी पप्पो टुकड़ो है कि है टॉवल और साथ में बनियान, वो तो पीक तो है। ओ सोनिए, ये पिड़ू सच में बनियान और टॉवल बन गया है, तुझे मजाक लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। अभी तेरे को पिड़ू की फोटो खींच के भेजता हूँ। क्या कर रहे हो तुम भाई, फोन रखो फोन रखो। ओ सुनिए, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। ओ चलो चलो अंदर आ जाओ यार, आओ बैठो। अरे सॉरी भाई, हमें थोड़ी जल्दी है। देखिए हमारे घर की चाबी घर के अंदर ही रहेगी और दरवाजा बंद हो चुका है। अच्छा दरवाजा तोड़ना है, चलो। घर की चाबी दे। पप्पू तू भी कमाल करता है, और मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में कैसे लगेगी। सोड़ी भाई हमारे घर की चाबी चाहिए हमें। वो तो आपके घर में ही है। सोड़ी हमारे घर की चाबी हमारे घर में है, लेकिन हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी जो तुम्हारे घर में है वो चाहिए हमें। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे घर पे ही है। याद है तुझे जब मैं रोशन डार्लिंग को छोड़ने जा रहा था तो तू सोसाइटी ऑफिस से दौड़ के मेरे पास आया कि मेरे को घर की चाबी दे, आज भी भाभी अचार पापड़ डिलीवरी करने के लिए गई है, तब मैंने तेरे को चाबी दी तो थी यार। देवा मैं विसर लो, एक्चुअली वो चाबी मैंने ली थी इससे और फिर अपने घर के ड्रॉअर में रख दी थी, वापस करना ही भूल गया था। देवा तो का हो रहा है, गैस चालू है, गैस पे कुकर है और चाबी भी नहीं है। ओहो आज मेरे नसीब में चाय नहीं। नहीं नहीं पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय जरूर मिलेगी और वो भी हमारे घर पे। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास भी होती है, वो मैं भूल गया, जाओ लेकर आओ जाओ। नहीं है। नहीं मन? वो चाबी भी हमारे घर में ही है। आप एक बार बैंक गए थे ना, तभी मैं बिना चाबी के घर के बाहर आ गई, तो अभी वो एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास थी ना, तो मैं वो लेके आई और दरवाजा खोला और उसके बाद मैं उनको वापस करना ही भूल गई। बोलो जालो, मतलब हमारी घर की जितनी भी चाबी है वो हमारे घर में ही है और हम घर के बाहर है। पता काय हो रहा है, गैस चालू है, गैस पे कुकर है और घर की चाबी भी नहीं है, दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। पुत्री ये तो सोचा ही नहीं, और इतना ही नहीं माधवी, 11:15 बजे काका को आने वाले खाने पे, 11:30 बजे खाना रेडी होना चाहिए, अभी उनको क्या बोलेंगे। पिड़ू है गलत, आज मैं काका काकी को अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा, वो भी पंजाबी खाना, पता क्या क्या बनाना। सोनी भाई खाना बनाने का टेंशन नहीं है, गैस चालू है, गैस पे कुकर रखा है, अगर दरवाजा नहीं खोल पाया तो कुकर फट जाएगा। हाँ कुकर फट जाएगा, अब तो एक ही इलाज है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ा था कैसे, दूसरा आइडिया होगा ना। हाँ एक आइडिया है, एक काम करो तुम अब्दुल को फोन लगाओ, उसको बोलो कि किसी भी चाबी वाले को यहाँ पे लेके आए, वो खोल देगा। बरोबर है। अच्छा अब्दुल को फोन लगाता हूँ। अब्दुल हाँ सोड़ी भाई बोलिए। अब्दुल मेरी बात ध्यान से सुन, माधवी भाभी ने गैस पे कुकर चढ़ाया और कुकर जो है वो फटने वाला है, तू फटाफट दौड़ के जा और चाबी वाले को फटके लेके आ। क्या 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 गैस कुकर क्या क्या, समझ में नहीं आया थोड़ी भाई। वो तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, कमाल कर रहे हैं। इधर देख कैसे समझ में आएगा, आधा आधा बोल रहे हैं सब। अब्दुल देखो मैं और माधवी ना हमें घर के बाहर लॉक हो गए। घर के बाहर लॉक हो गए? अरे मेरा मतलब है घर के बाहर फंस गए हैं और हमारे घर की चाबियां घर के अंदर रह गई है, तो तू किसी भी चाबी वाले को लेकर आ, समझा। हाँ बेटे भाई अभी जाता हूँ लेके आता हूँ उनको। हाँ ओके समझा, वो समझ गया ना। हाँ समझ गया, वो आ रहा है जल्दी आ रहा है। ओ मिस्टर टॉवल बनियान दारी, एफ टॉवल ओ जल्दी कर ले पहुंच ले, नहीं तो तेरे को जुकाम लग जाएगा। हाँ हाँ भाई। बेटो अभी बता क्या पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, शर्ट पहनेगा या कुर्ता पहनेगा। अरे नहीं 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 थैंक यू सोड़ी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अभी वो चाबी वाला आ जाएगा 10 मिनट में, दरवाजा खुल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का, आना चाहिए चाबी वाला 10 मिनट में। मेरा मतलब है 5 मिनट में भी आ सकता है। भाई भिड़े माधवी भाभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाबी वाला भी आ जाएगा और दरवाजा खुलते ही हम लोग फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय पियेंगे। कुकर की सीटी बजने से पहले चाबी वाला आ जाए तो अच्छा है।
मैंने सुना है 3-4 सीटी बजते ही कुकर ब्लास्ट हो जाता है। सोरी भाई, आप क्यों डरा रहे हैं? 3-4 सीटी में सिर्फ खाना पक जाता है, कुकर फट नहीं जाता है। मुझे एक बात बताइए, कितनी सीटी के बाद प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है? 8-10 सीटी। 8-10 सीटी में ब्लास्ट हो जाता। तो 8-10 सीटी बजने में टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है सोड़ी। सीटी बजने के मूलभूत दो कारण होते हैं, कुकर की क्वालिटी और आंच। अगर कुकर नया है तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच धीमी है तो एक आध घंटा। लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच तेज है तो भाई कुछ नहीं कह सकता। माधवी, हमारे पास कितना टाइम है? मेरा मतलब है गैस धीमी है। हाँ, धीमी रख के आई थी मैं। शाबाश। और कुकर? वो 2-4 साल पुराना है, आप टेंशन मत लीजिए। बच गए। नहीं नहीं, 2-4 साल पुराना चलता है कि वो? अरे भाई, पुराना पुराना होता है। अब्दुल कह रह गया। अरे भिड़े भाई। चाबी वाला किधर है? नहीं, चाबी वाला नहीं मिला। मैं चाबी वाले की दुकान पे गया था, पता चला कि ज्यादा बारिश गिर रही है, इसलिए वो पहले ही दुकान बंद करके चला गया। अरे तो दूसरे को बुलाते हैं। मैंने दूसरे चाबी वाले को भी फोन किया था, तो पता चला कि वो अपने ही घर में बंद है। अरे चाबी वाला खुद के घर में कैसे बंद हो गया? चाबी वाले का अपने वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, तो उसकी वाइफ ने उसको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चली गई शॉपिंग पे। लो, बोलो कितना नसीबदार है, उसके पास वाइफ तो है झगड़ा करने के लिए। ये दरवाजा खोलेंगे कैसे अब? अब तो दरवाजा खोलने का एक ही रास्ता है, दरवाजा को तोड़ देते हैं। थोड़ी अभी रिनोवेशन हुआ है मेरे भाई, नया दरवाजा है, नुकसान हो जाएगा। अब पिड़ू, अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया तो कितना नुकसान होएगा वो तो सोच। तो मैंने तो कहा ही था जब रेनोवेशन चल रहा था कि हमारे घर के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ देते हैं, अब ये प्रॉब्लम तो नहीं होता। याला तोड़े से कहीं तेरी। बच गई सिटी, अब हमारे पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ी भाई, दरवाजा तोड़ा। हाँ, चलो। नहीं 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 तोड़। काय चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, तोड़ तोड़ तोड़ते सब के थोड़ा। नहीं नहीं, तोड़ मतलब मेरे पास एक उपाय है। तोड़ तोड़ है? मेरा मतलब है बोल बोल। हाँ, एक काम करते, एक सीढ़ी लेके आते हैं और वो मेरी बालकनी पे लगाते, फिर मैं वो सीढ़ी पे चढ़ के बालकनी में जाऊंगा और फिर बालकनी का दरवाजा खोल के घर में जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब्दुल 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 क्या अब्दुल क्या सीढ़ी लेने गया, सीढ़ी लेने गया। भाई वो बहुत होशियार है। हाँ, चांगले। लेकिन उसने सुना ना मैंने क्या बोला? वो पता नहीं। सुना ही होगा उन्होंने, तुम्हें चल रहा है? सुना है यार मैंने। सॉरी भाई, बाहर बारिश हो रही है तो प्लीज जरा छाते लेकर आ। अरे हाँ, छाते लेके आता हूँ मैं। सोड़ी सोड़ी सोड़ी, अब क्या हो गया भाई? घर का दरवाजा बंद करने के पहले चाबी रख लेना साथ में, वरना तेरा भी भिड़े जैसा हाल हो जाएगा। और मेरी हालत भिड़ू के जैसे नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर की चाबी भिड़ू के घर में है। अरे भाई, लेकिन भिड़े का घर बंद है ना, तो ये कब काम आएगी? तो पहले बोलना चाहिए ना भाई, जल्दी आ, जल्दी आ जा। पूछना चाहिए था, पूछता ही नहीं है, कितना अच्छा था। बहुत ना इंसाफी है, आदमी एक प्रॉब्लम चार, बहुत ना इंसाफी है रे। ना इंसाफी तो है, आदमी एक और प्रॉब्लम चार, भाई बड़ी प्रॉब्लम है। भिड़े परिवार घर के बाहर है, भिड़े चौबल के अंदर है, प्रेशर कुकर गैस पे है और काका काकी खाने के लिए आने वाले हैं। बड़ी मुसीबत है साहब, भिड़े बिल्कुल अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फंस गए। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, कार की चाबी कार के अंदर है जाती है और आप कार लॉक करके बाहर निकल आते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और पता चलता है कि बटुआ तो है ही नहीं। अब देखना यह है कि ये भिड़े के घर का दरवाजा कैसे खुलता है, भिड़े और गोकुलधाम निवासी किस तरह से इस दरवाजे को खोलने के लिए क्या क्या तुक्के लगाते हैं। जो भी तुक्के लगाएं आपके घरों में होंगे हंसी के चौके छक्के, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।